नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइप के ऊपर ये काले रंग की पट्टी हम क्यों चढ़ा देते हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक साइट पे विज़िट कर रहा हूँ, और पहले मैं आपको ये साइट दिखा देता हूँ जहाँ पर ये वर्क चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं पीवीसी सीपीवीसी पाइप है, एस्ट्रल कंपनी का। नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा, तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं काले रंग की पट्टी चढ़ी हुई है। तो बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि इसके ऊपर ये पट्टी क्यों चढ़ी होती है, क्या कारण है, जो ये पाइप इतना मजबूत है, तो आखिर क्या ज़रूरत है इसके ऊपर एक काले रंग की पट्टी चढ़ाने की, जो कि दूर दूर तक इन्होंने लोगों ने चढ़ा के रखी है, जो प्लम्बर होते हैं हमारे उन्होंने चढ़ा के रखी। तो इसके पीछे एक रीज़न होता है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रीज़न ये है कि ये जो पाइप है अपना एस्ट्रल कंपनी का, ये पाइप है हमारा सीपीवीसी। आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एस्ट्रल कंपनी सीपीवीसी, और इस पर एक चीज़ लिखी हुई है आपका हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि इस पाइप के अंदर जो सीपीवीसी पाइप होता है, इसके अंदर ठंडा और गर्म पानी फ्लो करेगा। तो होता क्या है, जब सर्दी आती है, विंटर सीजन आता है, तो लोगों को गर्म पानी की ज़रूरत होती है सर्दी में, और ये सीपीवीसी पाइप स्पेशली उसी के लिए है। जैसे कि मैंने आपको भी दिखा दिया है, हॉट एंड कोल्ड वाटर, इसमें ठंडा पानी भी फ्लो करेगा और गर्म पानी भी फ्लो करेगा। तो सर्दी में सबको गर्म पानी की ज़रूरत होती है। तो अब ये ऊपर है, टेरिस पे है, ऊपर खुला है सारा, तो जब सर्दी आएगी, फोग पड़ेगा, कोहरा पड़ता है, ठंड पड़ती है, तो गर्म पानी, ये पाइप हमारा जो फोग होता है, ठंड होती है, उसको सहन नहीं कर पाता है। होता क्या है, जो इस पाइप के अंदर गर्म पानी चलता है, उसको ये ठंडा कर देता है, उसको ये ठंडा कर देता है। तो उसको बचाने के लिए, ताकि हमारा जो पानी गर्म ही रहे, ठंडा ना हो मौसम की वजह से, ये एक काले रंग की पट्टी चढ़ा दी जाती है, और इसको जगह जगह से टेप आती है, ब्लैक कलर की, वाइट भी आती है, उससे जो है टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा गर्म पानी ही बना रहे, ठंडा ना हो। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस काली पट्टी का नाम क्या है, तो इस काली पट्टी का नाम है यूनिलेशन, इसको यूनिलेशन बोलते हैं, और ये पाइप के हिसाब से आती है। अभी जो आप पाइप देख रहे हैं, ये हमारा 1 इंच का पाइप है, उसके हिसाब से जितने भी इंच का आप पाइप लगाएंगे, उतने ही साइज़ की यूनिलेशन आती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पाइप के ऊपर ये काले रंग की पट्टी क्यों चढ़ाई जाती है। अगर आप कहीं भी ऐसी पट्टी चढ़ाई हुई देखें, तो समझ जाइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।